हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, इस ब्लॉग में आप लोग को आज देखने को मिलेगा कि हम जिस मिडिल स्कूल से या हमारे साथी जितना है जिस मिडिल स्कूल से पढ़ के हम लोग आए हुए हैं, तो वही स्कूल में हम लोग जा रहे हैं अभी। सो गाइस, वीडियो में बने रहें, दिखाते हैं अपना गाँव का स्कूल कैसे है, नहीं है। और हमारे साथ काफ़ी बच्चे भी हैं, हमारे साथ जो अभी यहीं पढ़ रहे हैं वो लोग भी आए हैं साथ साथ। देख सकते हैं आप, इधर इधर है और एक इधर है। ये लोग अभी यहीं पढ़ रहे हैं और हम लोग फिलहाल पढ़ के निकल चुके हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें और दिखाते हैं स्कूल। और हम लोग स्कूल तक पहुंच गए हैं, देख सकते हैं अभी बाहर में ही है। बाहर का नज़ारा देख सकते हैं कैसे है। अब फाइनली अंदर तक आ चुके हैं और अभी पूरा स्कूल आप लोग को टूर करवाएँगे कि कैसे है कैसे नहीं है। तो चलिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये वाला जो है बहुत पुराना स्कूल था, पहले इसी में हम लोग पढ़ते थे। अभी इधर देख सकते हैं पीछे नया नया बन गया है। ये प्रथम वर्ग यानी कि वन, और आप पीछे देख सकते हैं बरंडा, ये वन से लेके फोर तक यहाँ तक है स्कूल। गाइस, वीडियो में बने रहे, आप लोग को पूरा देखने को मिलेगा क्या क्या है स्कूल में, क्या नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पूरा जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के कुछ बारे में, कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, झारखंड का राज्यपाल कौन है, वही सब। तो गाइस, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना है गाइस स्कूल, जब हम लोग छोटे थे तब इसी में पढ़ रहे थे। उसके बाद में ये नया बनने का शुरू हुआ, इधर ये नया हुआ, इधर पूरा नया बन गया है। और गाइस, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो यही झंडा तोलन होता था 26 जनवरी और 15 अगस्त में। इस जगह देख सकते हैं हमारे तिरंगा। अपार दुख के साथ ये कहा जा सकता है कि इसमें इतना, देखिए ऑनलाइन क्लास होता है इस क्लास में, तो देख सकते हैं कितना सुरक्षित से इसमें डबल गेट लगा हुआ है। फिर भी एक्चुअली ये स्कूल में 2 बार चोरी हो चुका है गाइस, गेट तोड़ के, यानी कि जो LED लगा हुआ था ऑनलाइन क्लास होता था उस LED और लैपटॉप वगैरह बहुत कुछ था गाइस, एक्चुअली चोरी हो गया है, अभी तक पता नहीं लग पाया है। तो अब देख सकते हैं ये और इधर है, ये कौन क्लास है, 5 है क्या, 5 6 इसमें है। और इसमें गाइस ऑनलाइन क्लास जिसमें होता है इसमें 8 और हाँ ओनली 8 है। और इधर साइड में ऑफिस है गाइस, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। एक्चुअली आज रविवार है और हम रविवार को स्कूल आए हुए हैं क्योंकि अभी कितना तक क्लास होता है, अभी 8 तक होता है पूरा, 8 तक, अभी 8 तक नहीं होता है, मतलब अभी 5 से ऊपर होता है क्लास, 5 से ऊपर क्लास होता है, इसलिए मतलब क्या रविवार है तो सोचे अच्छा वीडियो बन जाएगा और घूम भी ले। तो ये ऑफिस है गाइस, देख सकते हैं करियाले। और हम लोग गाइस देखते हैं चल किधर, हम लोग को मिडिल स्कूल में खाना बना के मतलब कि खिला रहा था, तो देखते हैं खाना बनाने वाला रूम को। चलिए, अभी एक्चुअली लॉकडाउन लग गया है तो कितना दिन से ही नहीं मिल रहा है बच्चे लोग को, मतलब कि चावल दे दिया जा रहा है, मतलब कि लोग को खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ये किचन था स्कूल का, देख सकते हैं इधर, यहाँ से ही खाना बनता था हम लोग के लिए, हम लोग उधर पढ़ते थे और 1 बजे को खाने को मिलता था इधर इस जगह। और साइड में ही इधर टॉयलेट बाथरूम है, देख सकते हैं, और यहाँ हैंडपम्प यानी कि चपाकल, देख सकते हैं ये, इसमें हम लोग मतलब कि खा के खाना वाना धोते थे, थाली वाली धोते थे खाना वाना खा के, देख सकते हैं। और यूज नहीं होने के कारण अभी बहुत ज़्यादा गंदा पानी निकल रहा है गाइस। और गाइस आप देख सकते हैं बालक शौचालय, इस जगह देख सकते हैं हमारे सभी टीचर्स एक ही जगह आके बैठते हैं ऑफिस में, इधर साइड में ऑफिस है, बालिका का शौचालय उस साइड भी है। सो गाइस चलिए दिखाते हैं कि अब देख सकते हैं हमारे यहाँ फूल का गाछ भी हम लोग बहुत ही लगाते थे गाइस, अभी बट उतना है नहीं। एक स्कूल का ग्राउंड का अंदर ही एक पेड़ है गाइस, हम लोग गांव देहात में इसको क्या बोलते हैं, डूमर, डूमर का पेड़ है गाइस, देख सकते हैं इधर साइड में। इसमें हम लोग जब पढ़ते थे तो चढ़ के बहुत ही ज़्यादा खाते थे गाइस डूमर। एक्चुअली अभी इस स्कूल से निकल चुके हैं तो उतना आते नहीं हैं घूमने के लिए। सो वीडियो में बने रहें और चीज़ हम दिखाने वाले हैं अभी क्या क्या है स्कूल में और नहीं है। और देख सकते हैं गाइस अभी गेट बंद है तो बच्चे लोग किस तरह से ऊपर में चढ़ के बदमाशी कर रहे हैं, देखिए। और हम लोग ग्राउंड से तड़प के इस पर आए हुए हैं। और हेडपम्प है गाइस जो ख़राब हो चुका है, इसको अभी तक ठीक नहीं किया गया है, देख सकते हैं इधर साइड में ये ख़राब है गाइस। और ये रहा स्कूल का मेन गेट, इसी से हम लोग बाहर जाते हैं और निकलते भी हैं।
हमारे स्कूल में 3 हैंडपंप यानी कि चापाकल थे, तो एक्चुअली एक खराब है और 2 ठीक है, एक इस गली में भी है, देख सकते हैं। एक्चुअली रूम स्कूल का मतलब कि हॉल बहुत बड़ा बड़ा है, तो एक ही में मतलब कि 2 कर दिया गया है, यानी कि 3 और 4 इसी में मतलब कि होता है पढ़ाई दोनों का। और हमारे साथ देख सकते हैं ये लोग अभी तक पढ़ ही रहा है स्कूल में, तो पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना स्कूल में? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय भी आ रहा है। लोग जानना हम लोग को मज़ा नहीं आ रहा स्कूल में, घूमने का बहुत मज़ा है। आप देख सकते हैं स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे, कितना यहाँ का नतीजा ख़राब है। ऊपर देखिए यहाँ पे एक बल्ब के लिए वो होल्डर लगा हुआ था जो कि कोई तोड़ दिया गया है, और पूरा स्कूल में वायरिंग हो गया है। और अभी तक तो पता नहीं चल पाया जो हमारे एलईडी यहाँ मतलब कि ऑनलाइन जो क्लास होता था इस लॉकडाउन यानी कि कोरोना के वजह से, तो एलईडी अभी तक पता नहीं लग पाया है कि कौन ले गया है नहीं ले गया। एक्चुअली इसमें पुलिस प्रशासन को भी मतलब कि खबर दे दी गई है, वो अपने मतलब के जाँच में लगी हुई है कि मतलब कि कौन ले गया नहीं ले गया, तो अभी तक जाँच हो ही रहा है हमारे स्कूल का। ये सो गाइस ये हमारे स्कूल का ऑफिस है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय, आगे कर कार्यालय। और यहाँ गाइस देख सकते हैं शिक्षकों की सूची, यानी कि हमारे स्कूल में कौन कौन टीचर है नहीं है गाइस, वो देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पूरा सूची दिया हुआ है, देख सकते हैं कौन पारा टीचर है और कौन मतलब कि क्या लिखा हुआ है कार्यालय पद, यानी कि पारा शिक्षक में 2 है और सरकारी में यानी कि 3 है, यानी कि टोटल गाइस टोटल जो है 5 है। तो गाइस ये बाउंड्री देख सकते हैं, बाउंड्री के इस पार देख सकते हैं थोड़ा खाली जगह है। तो स्कूल हम लोग बहुत ही पहले मतलब कि आते थे, तो यानी कि आधा घंटा पहले ही आ जाते थे और इस जगह हम लोग खेलते थे। और इस आम इधर पीछे जो दिख रहा है ग्राउंड का उस पार आम का पेड़ है, और इसमें हम लोग मतलब कि आम जब छोटा छोटा ही था तब तक हम लोग चढ़ के खा जाते थे गाइस, बहुत ही मज़ा आता था। एक्चुअली मिडिल स्कूल में जब पढ़ रहे थे काफ़ी मज़ा आता था। और ये रहा स्कूल का मेन गेट, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं कैसे मतलब कि जब स्कूल मतलब कि हम लोग पहले ही आ जाते थे तो इधर से मतलब कि चढ़ के जल्दी ही पार हो जाते थे। इधर ग्राउंड छोटा छोटा है, आराम से उस पर जा सकते हैं।